नमस्कार दोस्तों, आरजे जी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक और सेशन लेंगे जिसमें पढ़ेंगे पादप हार्मोन तथा उनके कार्य और इसके अलावा उनके रोचक तथ्यों के बारे में भी भाइयों जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, मध्यकालीन भारत राजस्थान अध्ययन और करंट अफेयर के बारे में अगर आप डे टू डे जानना चाहते हो तो अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और बेनिफिट उठाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ का बेनिफिट होता रहे। चलते हैं, हमारा पहला पादप हार्मोन कौन सा होने वाला है भाइयों? ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने की? डार्विन ने की। किसन में की थी भाइयों? 1880 में की थी। इसका कार्य अगर पूछ ले तो कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण, विलगन पर रोक, खरपतवार का नाश आदि इसका कार्य होगा। जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, क्योंकि एग्जाम में कई बार जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के बारे में पूछा गया है। तो मैं बता दूं आपको कि इसकी खोज किसने की? जिब्रेलिन की, कुरुसावा 1926 के अंदर। और इसका कार्य क्या रहेगा भाइयों? इसका कार्य रहने वाला है बोनी जाति के तनों को लंबा करना, बीजों की प्रस्तुति समाप्त कर अंकुरण में सहायता करना, पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण आदि करना इसका कार्य रहेगा भाइयों। आगे देखिए भाइयों, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से जिब्रेलिन के बारे में एक क्वेश्चन ये उठता है भाइयों कि पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण किस हार्मोन की वजह से होता है, किस हार्मोन के कारण होता है, तो उस पादप हार्मोन का नाम क्या होगा भाइयों? जिब्रेलिन। आपको मैं बता दूं कि वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे आने वाले कई एग्जाम के अंदर, अपकमिंग एग्जाम जो भी है उनमें फ़ायदा होने वाला है भाइयों। साइटोकाइनिन भाइयों क्या है? ये भी एक पादप हार्मोन है। खोज किसने की? मिलर 1955 में। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, कोशिका विभाजन कौन कौन से भाइयों? समसूत्री और अर्धसूत्री। अब देखिए भाइयों, जीर्णता का विलंबन किसका? जीर्णता का विलंबन और प्रस्फुट उत्कों का जागरण, यानी जो उत्तक निष्क्रिय होते हैं उनका जागरण करना। आगे देखिए भाइयों, एप्सिक अम्ल की वृद्धि रोकना। और देखिए एथिलीन, दोनों साथ में ही पढ़ते हैं हम, कौन तथा एडिकोट पौधा। और देखिए भाई 61 से 65 के अंदर इसकी खोज। और देखिए नीचे इसका एथिलीन का वर्ग कौन सा दे रखा है? 1962। अब देखिए भाइयों, पहले वाला एप्सिक अम्ल का क्या होगा कि बीजों को सुप्ता अवस्था में रखना, पत्तियों का विलगन यानी अलग होना। और देखिए भाइयों क्या होगा, जागरण आदि, पत्तियों का विलगन तथा पुष्पन में बाधक आदि। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है भाइयों कि पुष्पन के अंदर बाधक किस अम्ल की वजह से होता है, तो आपको क्या होगा भाइयों, एप्सिक अम्ल की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाइयों, आगे देखिए एथिलीन के अंदर क्या कार्य होगा, फलों को पकाना। आपको पता है फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है, सभी को पता है। मादा पुष्प के विकास को प्रेरित करना, जो भी मादा पुष्प है उसके विकास को प्रेरित करना भाइयों। आगे देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है भाइयों, क्योंकि हमारे रेलवे के कई एग्जामों में, जो इनसे पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ें क्योंकि पादप के कुछ रोचक तथ्य है। देखिए भाइयों, पहला तथ्य क्या है, संसार का सबसे लंबा वृक्ष आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता भी है वैसे। देखो इसका नाम क्या है, सिकोया या कोस्ट्रेट। कौन सी भाइयों? कोस्ट्रेट वुड ऑफ कैलिफोर्निया। और इसकी ऊंचाई कितनी है भाइयों? 120 मीटर। ठीक है भाइयों, इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, संसार का सबसे बड़ा आवर्ती बीज वृक्ष, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाइयों? क्योंकि देखो आवर्ती बीज वृक्ष के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसार का सबसे बड़ा आवर्ती बीज वृक्ष कौन सा है भाइयों? यूकेलिप्टस। अब देखिए भाइयों, सबसे छोटा आवर्ती बीज पौधा कौन सा होगा भाइयों? लेमेना। अब देखिए भाइयों, एक चीज़ दोनों में कॉमन है भाइयों, क्या होगी कि देखिए ये भी आवर्ती बीज है। अब देखिए भाइयों, ये भी पौधा है, दो चीज़ें कॉमन। और तीसरी चीज़ क्या कॉमन है भाइयों? ये एक बड़ा है और ये एक छोटा है। और देखिए भाइयों, ये एक जलीय पौधा है और इसके बारे में ये क्या कह सकते हैं हम, जलीय पौधा नहीं है। अब देखिए भाइयों, संसार का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा अगर आपसे कोई पूछ ले तो विक्टोरिया रिजिया। क्या होगा भाइयों? विक्टोरिया रिजिया, जो कि अपने पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और ये भी एक क्या है, जलीय पादप है। अब देखिए भाइयों, संसार का सबसे बड़ा फल कौन सा होगा भाइयों? लोडिसिया या डबल कोकोनट्स। कौन सा भाइयों? डबल कोकोनट्स के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है,
मॉडल पेपर में मैंने काफ़ी इसके क्वेश्चन देखे कि डबल कोकोनट्स के बारे में। तो ये भारत के केरल राज्य में काफ़ी पाया जाता है, जो हाल ही में अभी बाढ़ आई है केरल राज्य में। अब देखिए भाइयों, सबसे लंबा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होगा भाइयों? रेफेलिसिया। और इसका व्यास कितना भाइयों? 1 मीटर। और भार सामान्यतः अगर पूछ लिया जाए तो 8 से 10 किलोग्राम। भाइयों देखो, इसका मतलब ये कितना बड़ा पुष्प होगा। और इसमें से सड़े मांस की दुर्गंध आती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किस पुष्प में से सड़े मांस की दुर्गंध आती है? तो आपको आंसर क्या देना है? रेफेलिसिया। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। देखिए कि सबसे बड़ा बीजान कौन सा है भाइयों? साइमक। अब देखिए भाइयों, ये तो हमने पढ़ लिया। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज किसका होता है भाइयों? ऑर्किड का। किसका? ऑर्किड का। और सबसे छोटा गुणसूत्र, अब देखिए भाइयों, ये और आगे भी एक कन्फ्यूजन होने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? शैवाल में। और देखिए भाइयों, सबसे अधिक गुणसूत्र यानी मात्रा में ज़्यादा, इसमें आकार की बात नहीं हो रही, इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है। तो सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें है भाइयों? सबसे अधिक गुणसूत्र होगा ओफियोग्लोमस। ओफियोग्लोमस एक फर्न है जिसमें 1266 गुणसूत्र होते हैं। देखिए भाइयों, वापस रिपीट कर देता हूँ, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा होगा भाइयों? ओफियोग्लोमस। ये एक फर्न है और इसमें 1266 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए भाइयों, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है भाइयों? हैपेलोपेमस। कौन सा है भाइयों? हैप्लोपेपस ग्रेसलियस। कौन सा भाइयों? हैप्लोपेपस ग्रेसलियस। अब देखिए भाइयों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपका, सबसे छोटा नग्न बीज पादप, सबसे छोटा नग्न बीज पादप, तो वो कौन सा होगा भाइयों? जेमिया पिग्मिया। कौन सा भाइयों? जेमिया पिग्मिया। और देखिए भाइयों, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका। ये आपको हर मॉडल पेपर के अंदर, अगर आप कोई मॉडल पेपर खरीदोगे तो उनके अंदर आपको एक से दूसरे मॉडल पेपर में क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है भाइयों? माइक्रोप्लाज्मा और माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है भाइयों, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लोगोपस। और देखिए, सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया वाइनेका। कौन सा भाइयों? हार्डविचिया वाइनेका। मिलेंगे अगले वीडियो में।